सो आज हम आए हुए थे एरी कैनल और मेरे साथ ऑलवेज ये फालतू के लोग, आई मीन अच्छे लोग आ रहे हैं। पीछे है शैरिल, सलोनी कर दिया। और इस बंदे को अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा व्लॉग देखते ही नहीं मतलब। और ये है शानवी, इसको आपने शिकागो में देखा होगा। अब ये काफी टाइम से बफलो में ही आई हुई है, जा ही नहीं रही मतलब। तो शानवी भी आई हुई है, अभी हम इसको बफलो भी घुमा रहे हैं थोड़ा। हम भी घूम रहे हैं, हमने भी नहीं घूमा कभी। मेरी वजह से तुम लोग घूम रहे हो। यस मेरी वजह से। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ जाना। वही बोलने का था बस। सो दिस वॉज दैट बिल्डिंग, हम अभी यहाँ पे थे जहाँ पे वो बोट का काम चल रहा था और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी सारी क्या था। और वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो एक नेवी की पुरानी शिप है जो US आर्मी उसके लिए यूज़ करती थी। अभी हम उसी साइड जा रहे हैं और ये था, यहाँ पे हम अंदर थे। देख सकते हैं आप बफलो की MNT की बिल्डिंग, MNT बैंक की बिल्डिंग है। MNT की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ बफलो में, और पता नहीं इतनी सारी बिल्डिंग्स क्यों हैं, सारे जगह MNT का ही काम होता है। क्या मतलब बफलो में काफ़ी सारे होर्डिंग्स और बिल्डिंग्स पे MNT बैंक लिखा दिख जाएगा, वो देखो। मेरे पीछे यू कैन सी देयर इज अ मेमोरियल, यहाँ पे और भी मेमोरियल हैं बट ये सामने दिख रहे हैं बड़े, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये इराक का है और ये वो अफगानिस्तान। एक्चुअली यहाँ US आर्मी, जब जो भी आर्मी के लोग US आर्मी के लोग जो इराक में थे और जो शहीद हुए और जो अफगानिस्तान में शहीद हुए उनके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी US आर्मी काफ़ी टाइम के लिए रही है और इराक में भी, तो उनके नाम वगैरह दिए हैं। और भी आगे और जगह पे भी हैं मेमोरियल अलग अलग देश में जहाँ पे भी US आर्मी रही है। बहुत ठंड है। मेरे पीछे यू कैन सी देयर इज अ सबमरीन ऑल्सो। ये सबमरीन है, ये भी शिप के साथ आई थिंक यूज़ होती होगी, मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। और वो जो देख रहे हो वो छोटा सा घर टाइप का बना हुआ है, वो है उसका एंट्री पॉइंट सबमरीन में। वहाँ से अंदर जाते हैं और फिर सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। और ये सबमरीन काफ़ी अंदर जा सकती है, कमाल की शिप है। और शिप तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शिप है ये। ऊपर यू कैन सी वो रडार्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। और ये एक्चुअली दो शिप थी, एक ये वाली शिप है यहाँ पे और एक वो है, वो पीछे वाली शिप ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है वहाँ तक। सो ग्राउंड पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये 9/11 जो अटैक हुआ था उसमें जो लोग मारे गए उनके नाम लिखे हैं, अभी इसमें दिखेगा नहीं। बताओ
बाहर ज़्यादा ठंड होने के कारण हम आ गए थे टिम हॉर्टन्स और हम ले रहे हैं हॉट चॉकलेट, मतलब सब लोग अपनी अपनी ड्रिंक्स ले रहे हैं और अभी बैठ के पियेंगे, बाहर बहुत ठंड है। आ रहे हैं सब गया गया था ना वो तो चीयर्स तो मैं बात का स्वाद इसके बाद बात का स्वाद ये अपना बनाया इसमें बात का स्वाद डेलावेयर पार्क। अभी वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। ये मेट्रो स्टेशन छोटा सा क्यूट सा बफलो का, काफ़ी सारे स्टेशन से ऐसे बाहर और यू कैन सी ये छोटी छोटी सी पटरियाँ हैं जहाँ से ट्रेन आई और वो बिल्डिंग के नीचे से जाएगी अगर आप देख पा रहे हो MNT अगेन उसकी बिल्डिंग के नीचे। बड़े क्यूट से स्टेशन है, छोटे से स्टेशन कोई नहीं, पूरे स्टेशन पे हम 6 लोग बस हैं। हमें अभी मैरियट होटल के अंदर और जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी हम इस हीटेड रूम में थे। ये दरवाज़ा अपने आप ओपन हो गया, मैं डर गया। तो हमारी ट्रेन आ गई है और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। हम के जाना है स्टेशन। ये है डॉलर ट्री, सस्ते का माल सस्ते में। ये स्टोर हमारी औकात के बराबर है, यहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं। डॉलर ट्री US में एक शॉपिंग चेन है, स्टोर है जहाँ पे काफ़ी सस्ते में सामान मिलते हैं। काफ़ी इंडियंस लोग जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ से शॉपिंग करते हैं। सो अभी हम गए थे अम्मास किचन जो कि एक फेमस इंडियन रेस्टोरेंट है और हमने किया वहाँ पर डिनर, मस्त था। और नाउ वी आर हैविंग सम मैंगो लस्सी, मस्त है। और अब हम अपने घर जा रहे हैं। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट।